सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हिटमैन स्नाइपर ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डेटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है और मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। तो ऐसे इसको स्क्वेयर एनिक्स ने बताया है, मैंने स्टोरेज थोड़ा सा क्या मोबाइल वो कर दिया था ना, तो वापिस से देना पड़ी। वैसे मैं खेल चुका हूँ बहुत सारे लेवल इसके। बाकी यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये एक पेड गेम है, पर अभी कुछ दिनों पहले ये फ्री में मिल रहा था तो मैंने इसको क्लेम कर लिया था। तो मतलब मैंने लीगली ही इस गेम को डाउनलोड करा है, ऐसे पायरेसी वायरेसी नहीं करी है। वैसे हाँ, एक और चीज़ ये बता दूँ कि ये एक ऑफलाइन गेम है, यहाँ पर हमारी सभी चीज़ें जो है ना वर्क कर रही है बिना किसी इंटरनेट कनेक्शन के, तो ये ऑफलाइन गेम है। तो चलो मैं थोड़ा बहुत इसका गेम प्ले दिखाता हूँ। तो ऐसे तो आपको इसमें बहुत सारे मिशन देखने को मिलते हैं, किसी को मारो तो कुछ पॉइंट्स बनाने रहते हैं, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स डिस्ट्रॉय करना रहता है, जो भी है। वैसे इसका रिलोडिंग सिस्टम बहुत अच्छा लगा मेरे को, मैं आपको है ना दिखाता हूँ। यहाँ पर कुछ इस तरीके से ऐसे जूम इन जूम आउट करेंगे ना तो स्नाइपर में भी होता है। और एक चीज़ तो इतनी अच्छी लगी ना मुझे इसके अंदर में कि इसमें डिटेलिंग इतनी ज़्यादा है ना कि उसका तो कोई पूछो ही मत। मैं जैसे कि अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर सपोज दैट मैं यहाँ पर जूम करता हूँ तो मैं आपको यहाँ पर शायद कुछ, हाँ, एड बॉल पुल का जैसा कुछ था यहाँ पर, एक मिनट में देखता हूँ। तो हाँ, ये रहा जैसे कि, तो आप देखना यहाँ पर की डिटेलिंग कितनी अच्छी है। वैसे यहाँ पर अपनी ब्रीथ को होल्ड करके, और मैं यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ना, ये आप देख लो कि मतलब कितनी डिटेलिंग है कि यहाँ तक कि ऑब्जेक्ट भी जो है ना वो तक रिएक्ट करते इसके अंदर में गोली से, मेरे को लगा नहीं था। सपोज डेट में यहाँ पर एक फ़ैन भी होगा, मैंने मतलब बहुत सारा खेल लिया इस गेम को, इसकी वजह से ना मेरे को पता चल गया है जो भी है। बट कुछ इस तरीके से यहाँ रिलोडिंग का सिस्टम कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये मतलब बहुत ही रियलिस्टिक रिलोडिंग है कि ये बहुत मेरे को अच्छा लगा। बाकी किस तरीके से, कहाँ पे था फैन, यहाँ पे है शायद, मुझे खुद ढूंढना पड़ेगा, तो एक मिनट रुकना बस। हाँ ये, अब जैसे कि सपोज डेट मैं इस पर अगर मैं मारूंगा ना तो वो तक मैं मतलब देखना आप, या आप जैसे कि देख सकते हैं मतलब हर चीज़ इसके अंदर में आपको है ना डिस्ट्रॉयबल देखने को मिलेगी। सही, तो ये बहुत अच्छी लगे मुझे इसके अंदर में। मैंने जस्ट ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करता हूँ मैं, तो मैंने इसके अंदर में जो है ना क्या बोलते हैं कि ऐसे ही फुर्सत में बैठे बैठे ना बहुत सारे ऑब्जेक्टों को मारा। उसमें से बहुत सारे तो रिएक्ट नहीं करते हैं, बट हाँ मोस्ट ऑफ द रिएक्ट कर जाते हैं। यहाँ पर कोई मर गया क्या? नहीं, कुछ मरा नहीं है। तो चलो एक आधी हेड शॉट तो हम दे ही देते हैं किसी को। तो यहाँ पर सांस रोक लेते अपनी, और अपनी एमो ख़त्म हो गई, बाकी हेड शॉट तो हमने दे ही दिया है। जो भी है, यहाँ पर मतलब काफ़ी अच्छा गेम है। अगर आपको मतलब स्नाइपर वाला गेम चाहिए तो आप इसको ट्राई कर लेना। वैसे हाँ, एक चीज़ बता दूँ कि हिटमैन स्नाइपर द शेडो भी नाम से एक गेम आने वाला है, वो शायद ऑनलाइन होगा। बट जो भी है, अभी हिटमैन स्नाइपर तो ऑफलाइन ही है, वो जो भी होगा ना मैं आपको बता दूंगा वीडियो बनाकर। बाकी आपने वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए भी थैंक यू।